आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की बर्फी, एकदम सॉफ्ट, बहुत ज्यादा टेस्टी। और टेस्ट के साथ साथ ये बर्फी बहुत हेल्दी भी है, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। आप नवरात्रि के व्रत में पहले ही दिन ये बर्फी बनाकर फ्रिज में रख लें और व्रत के खाने के साथ में थोड़ी थोड़ी ये बर्फी भी खाएं, ये आपको भरपूर एनर्जी देती रहेगी। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंघाड़े का आटा भूनेंगे। कढ़ाई में 3-4 टेबल स्पून घी डाल दीजिए। फ्लेम ऑन, घी को मेल्ट कर लेते हैं। ये 1 कप सिंघाड़े का आटा, वजन में 150 ग्राम। अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। थोड़ा सा घी और ले लेते हैं। घी इतना डाल लें कि आटा अच्छे तरीके से चलाते बन जाए। ये मैंने 100 ग्राम घी निकाल के रखा है कप में। इसे भूनते समय ध्यान रखें फ्लेम लो मीडियम हो, और ये बहुत जल्दी भून जाता है। कलर तो इसका पहले से ही डार्क है। जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और आटे से घी अलग होने लगे, ये भूनकर तैयार है। कलर को आप ज़्यादा डार्क ना करें। ये घी के आपको झाग झाग से दिखाई दे रहे हैं, घी अलग हो रहा है ये। बस हमारा ये आटा भूनकर तैयार है और इसे भूनने में 3 मिनट लगे हैं, बहुत जल्दी भूनता है ये। ये 1/2 कप डेसिकेटेड नारियल, और वजन में ये 40 ग्राम है। इसको आटे के साथ डाल देते हैं और 1 मिनट इसी के साथ में भून लेते हैं। और 1 मिनट भून लिया। अब ये 1/4 कप बादाम पाउडर, वजन में 30 ग्राम, इसको भी इसी के साथ डाल दीजिए और थोड़ा सा और भून लीजिए 1 मिनट और। ये बादाम पाउडर, डेसिकेटेड नारियल इसके साथ में भून जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इनका। बाकी हम इसमें और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रहे हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें काजू का पाउडर डाल सकते हैं, या काजू और बादाम को पतला पतला काट के भी डाल सकते हैं। और आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट के भी इस बर्फी को बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट डल जाते हैं तो टेस्ट तो बहुत बढ़ जाता है। ये तैयार हो गया और इसे भूनने में टोटल 6 मिनट लगे हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं, गरम कढ़ाई में इसे थोड़ा सा और चलाते रहते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब इसी कढ़ाई में हम दूध डाल रहे हैं। 1/2 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम, क्योंकि इस बर्फी में हम मावा, मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क कुछ नहीं मिला रहे, 1/2 लीटर दूध ले रहे हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हाई फ्लेम पर इसे उबलने देते, दूध में उबाल आ गया। अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और जब तक ये आधा नहीं रह जाता तब तक कुक करते रहेंगे। फ्लेम तेज रख लिए ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। और ये दूध में जो इसमें आटा लगा रह गया था वो आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। उबाल आने में 4 मिनट लग गए। इसे तेज फ्लेम पर 15 मिनट कुक कर लिया है, लगभग आधा ही रह गया है और काफी गाढ़ा भी हो गया है। बस ऐसा ही चाहिए। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप चीनी, वजन में 150 ग्राम। चीनी आप अपनी पसंद से, जैसा भी मीठा खाते हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। अब चीनी को दूध में घुलने तक कुक कर लीजिए। आप इस बर्फी को दूध डालकर नहीं बनाना चाहते तो चीनी में पानी डालकर चाशनी बना लीजिए। 1/4 कप चीनी है, 1/3 कप पानी डालिए, चीनी घुलने तक कुक कीजिए, फिर 1 तार की चाशनी बना लीजिए। बहुत जल्दी बनती है ये चाशनी। और इस आटे को उस चाशनी में डालकर जमने वाली कंसिस्टेंसी तक कुक कर लीजिए। ये भी बर्फी बहुत टेस्टी लगेगी आपको। चीनी पूरी घुल चुकी है, जब हम इसे चलाते हैं तो पता चल जाता है, अगर दाने रहते हैं तो टच में आते हैं, तो एकदम स्मूथ स्पैतुला चल रहा है। और अब इसमें डाल दीजिए ये भुना हुआ आटा और फ्लेम को कर लीजिए मीडियम। अभी तक हम सारी कुकिंग तेज फ्लेम पर कर रहे थे, लेकिन आटा डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। अब इसे चलाते हुए कुक करते हैं। दूध के साथ में ये बर्फी बनती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। जब आप खाएंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये सिंघाड़े का आटा है। ये 4 इलायची दरदरी कुटी हुई, देखिए ये फटाफट से गाढ़ी होती जा रही है। थोड़ी देर इसे इसी तरीके से पलटते हुए कुक करना है, एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी तक कुक हो जाए। छोड़िए मत बिल्कुल, क्योंकि पूरी तरीके से कुक हो चुकी है। अगर आप छोड़ देंगे
तो ये नीचे से लग जाएगी और गाढ़ी होती जा रही है और कढ़ाई में इससे अलग होती हुई घी की बूंदें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये देखिए बढ़िया सी कुक हो गई और अब ये जम जाएगी। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा और गर्म कढ़ाई में चला लेते हैं। ये ट्रे ले लिया हमने और इसमें एक ये बटर पेपर बिछा लिया है। आप डायरेक्ट ट्रे में भी थोड़ा सा घी लगा के बर्फी को जमा सकते हैं। और अब ये मिक्सर इस ट्रे के अंदर, अब इसे स्पैतुला की हेल्प से थोड़ा सा फैला दीजिए। जितनी मोटी बर्फी जमानी है एक जैसा कर लेंगे चारों तरफ से। और गार्निश के लिए हम इसके ऊपर ये थोड़ी सी बादाम कतरन डाल देते हैं। आप इसके ऊपर पिस्ता कतरन, बारीक कटे हुए काजू जो चाहें डाल सकते हैं और बिना ड्राई फ्रूट डाले भी इसे बना सकते हैं। और अब चम्मच से थोड़ा सा इन्हें प्रेस कर देते हैं ताकि बर्फी में सेट हो जाए। इसे बनाने के लिए आधा कप में हमने 100 ग्राम घी निकाला था, उसमें से भी एक टेबल स्पून घी बच गया है, लगभग 20 ग्राम। और अब इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। ये बर्फी 2 घंटे में जमकर तैयार हो गई। इसे काट लेते हैं। सिंघाड़े के आटे की बर्फी बनकर तैयार है। एकदम सॉफ्ट है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। बनाने का तरीका तो आपने देखा ही, ये कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन गई है। लेकिन जब आप इसका आटा भूने तो पूरा ध्यान रखें, उसे लो मीडियम फ्लेम पर भूने। ये आटा बहुत जल्दी भुन जाता है। और दूध को जब वो अच्छा सा गाढ़ा हो जाए, चीनी डालें, घुल जाए, जब आटे को मिलाकर फिर से लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें, जब तक कि वो अच्छा जमने वाली कंसिस्टेंसी तक कुक नहीं हो जाता। आप बहुत अच्छी बर्फी बनाएंगे, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कि आपको कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।